और गाइस क्या हाल है गाइस, आज मैं एक और अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आ गया हूँ आपके लिए, जिसमें मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ एक डिजिटल वेइंग स्केल जो कि आता है वीनस की तरफ से। और हम इसका जल्दी से रैपर निकाल लेते हैं। मैंने ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। ये है इसकी इनवॉइस जो कि इस तरह बाहर से इन्होंने टेप के साथ लगाई थी। और अब हम इस बॉक्स को फाइनली यहाँ से कट करते हैं। गाइस कुछ ऐसा दिखता है इसका बॉक्स। यहाँ सामने पे ब्रांडिंग दी हुई है और यहाँ पे दिया हुआ है बैक लाइट डिस्प्ले है इसमें, और टेम्परेचर भी ये डिस्प्ले करेगा। और साथ ही में इसका 20 mm का थिक इसकी बॉडी है। वैसे थिकनेस से हमें क्या लेना देना है। और दूसरी बात गाइस ये है कि ये बिल्कुल ग्लास से बना हुआ है। इसका जो फिनिश दी है इन्होंने ग्लास से दी है, तो स्ट्रॉन्ग टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पे लगा हुआ है जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है। LCD डिस्प्ले इसका यहाँ पर 73x28.3 mm का है, यानी कि 7.3 cm और 2.8 cm। अब हम इसको निकाल के देख लेते हैं अंदर से कैसा दिखता है हमारा वेइंग स्केल। तो इसको हटाओ सबसे पहले गाइस। थर्माकोल से बढ़िया पैकिंग करी हुई है यार, ऑब्वियसली करनी चाहिए थी क्योंकि ऐसा कुछ दिखता है। ये करनी चाहिए थी पैकिंग क्योंकि यार ये ग्लास का बना हुआ है और काफ़ी फ्रेजाइल होता है ग्लास, तो ये कभी भी टूट सकता है, इसलिए इन्होंने इतनी बढ़िया पैकिंग करी हुई है। वायर मज़ा आ गया इसको देख के। था और कुछ ऐसा दिखता है हमारा यहाँ पे वेइंग स्केल फाइनली। और इसको अगर हम इस रैपर से निकालेंगे तो इस तरह से ये रैपर हमने निकाल दिया। यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है, ये क्या है तो देख लेते हैं। ओके गाइज, तो ये है इसका बिल जो कि मेरे हिसाब से हैंड रिटन भी है इसमें। यार ये प्रिंटेड नहीं है, प्रिंटेड है पर प्रिंटेड पे हैंड रिटन है। और ये जयपुर से डिस्पैच हुआ है, शायद उसी शॉप का नाम है ये एस इनकॉर्पोरेशन। इसको हम रखते हैं साइड में। गाइस ये इसकी यूज़र मैनुअल और यहाँ पे दिया हुआ है अगर कोई ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं हम इसकी खुद से ही। इसमें दिया हुआ है जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है उस एरर को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसको भी रखते हैं हम अभी साइड में। और फाइनली देखते हैं हमारे इस वेइंग स्केल को। सामने से कुछ ऐसा दिखता है ये वेइंग स्केल, पर्पल कलर में मैंने ऑर्डर किया था, आप देख लो एक बार इसे। काफ़ी ग्लॉसी सा लग रहा होगा, चमचमाता हुआ। आफ्टर ऑल ये ग्लास है और थिकनेस जैसा बताया था गाइस 2 cm, काफ़ी थिन है ये देखो। पीछे अगर हम इसको पलट के देखें तो यहाँ पर इसका सेंसर लगा हुआ है जो कि 4 sensor टेक्नोलॉजी पे काम करता है। 4 sensor से गाइस यहाँ पे 1, 2, 3, 4, और इनकी वजह से ये एक्यूरेटली वेट को मेजर कर पाता है। ये गाइस बैटरी लगाने के लिए यहाँ पर इन्होंने स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ पे बैटरी लगा सकते हैं और फिर तब जाके ये काम करने लग जाएगा। ये 2 बैटरी भी इसी के साथ आई है और इसको हम अभी लगा के देखते हैं फिर किस तरह से काम करता है ये। गाइस बैटरी मैंने इसमें लगा दी और पीछे जो बटन है उसको प्रेस करके देखते हैं क्या होता है। ये ऑन हो गया गाइस, ऑन हो गया। यहाँ पे अभी 0.00 रीडिंग दिखा रहा है, 32°C टेम्परेचर दिखा रहा है और बैटरी दिखा रहा है 100%। और ये बटन गाइस एक और काम करता है, अगर इसको मैं दोबारा प्रेस करूँगा ना तो अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा kg में ये मेजर कर रहा है। दोबारा से इस बटन को प्रेस करने में ये kg से LBS में चेंज हो जाता है। गाइस अभी आप देख रहे होंगे ये kg में मेजर कर रहा है, इसको दोबारा प्रेस करूँगा तो ये LBS में हो जाएगा। गाइस इस वेइंग स्केल की एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए मैंने एक तरीका निकाला है। इसमें मैं क्या करूँगा ना, एक सिलेंडर को मैं वे करूँगा और देखूँगा कि मतलब जो सिलेंडर में वेट प्रिंटेड है वही अगर सेम इसमें हुआ तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा। 16 kg सिलेंडर में प्रिंटेड है और अब मैं सिलेंडर इसके ऊपर रखने वाला हूँ, देखते हैं गाइस कितना वेट आता है। 16.2 kg, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है ये, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेंडर 16.0 kg और 16.2 kg वहाँ पर है। अनबॉक्सिंग और एक्यूरेसी चेक तो हो गया, मैं आपको बताता हूँ ये 630 का मैंने परचेज़ किया था और इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा वेइंग स्केल है। इसका डिस्प्ले इतना ब्राइट है कि दिन के उजाले में भी बहुत अच्छे से दिखता है। तो मैं बोलूँगा इस प्राइस रेंज में अगर आपको कोई डिजिटल वेइंग स्केल लेना है तो आप इसे ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं।